गाना बड़ा रोमांटिक आज रिकॉर्ड हो रहा है, शामिल इतने हिट नंबर गा चुके हैं, होप सो कि ये भी हमारा हिट नंबर होगा। बहुत प्यारा शब्बीर अहमद साहब ने लिखा है, उनके हर फिल्म में आजकल गाने हिट हो रहे हैं, लगे चार घुमाए करो ना सर सर जी मैडम है, तो सब एक कॉम्पिटिशन बड़ा प्यारा बन गया है, नहीं गहरा काम हो रहा है। ये तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मेरा थोड़ा अड्डा ऊपर करो ना मैडम, फिल्म में कर चुका हूँ, हर फिल्म में अलग रोल होता है, अलग किरदार होता है, उसका एक अलग जर्नी होती है सर सेंटर, मैं भी वो अलग तरीके का होगा, ये तो डाउन। और हर फिल्म में क्या होता है, हर फिल्म में जब कास्ट आपके साथी कलाकार जब थोड़ा अदल बदल जाते हैं ना, तो उसका मजा कुछ और होता है। इस पिक्चर में सबसे बड़ी बात है कि धर्म जी है और विजय राज है, लेकिन वही लोग अगर धर्म जी के साथ होते हैं तो फिल्म का माहौल अलग हो जाता है, वही दूसरे एक्टर के साथ होते हैं तो उसका माहौल अलग हो जाता है। तो कुल मिलाकर के जो ताना बाना मनुष्य का है वो एक नया लुक और नया प्रयोग दे रहा है कल तक। सर ने मुझे बुलाया था मनुष्य के संग में, और ये जो है डिफरेंट बोला मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो संगे जब ये रोल सुना मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने ऑडिशन दिया तो उसमें सेलेक्ट हो गया। अभी आपके सामने अभी के जो गाने में कहीं ना कहीं मेलोडी एक मिसिंग लगती है, तो ये गाना किस तरह का है थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए कौन से? बहुत ही मेलोडियस गाना है, आज खली बली फिल्म का गीत है, ये पहला गीत आज रिकॉर्ड हुआ है एंड मुहूर्त गाना था, एंड आई एम हैप्पी दिस टाइम दिस टाइप ऑफ मेलोडियस एक कंपोजिशन जो मेरे को उन्होंने गवाया, एंड शब्बीर जी का लिखा हुआ है एंड पूनम जी का म्यूजिक है। डेफिनेटली शब्बीर अहमद को आप लोग जानते ही होंगे, एंड पूनम जी आई थिंक न्यू कमर एंड शी हैज डन एक्सेलेंट जॉब, बहुत ही मेलोडियस गाना बनाया है जो आप लोगों को 100% पसंद आया। देखिए मैं ज़्यादातर करके ख्याल रखता हूँ कि मेरे जो दायरा है उस दायरे के बाहर रह के गाना गाने का कोई मतलब नहीं, बेटर है कि हम जो कर सकते हैं वही करना बेटर है, तो हम जहाँ तक गा सकते हैं मैं उसका ही रिस्क लेता हूँ और वही गाता हूँ। स्टोरी तो ये बताएंगे, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत बहुत खुशी है कि मैं फिर से हिंदी फिल्म में काम कर रही हूँ कम से कम 8-10 साल के बाद, तो आज मैं कुमार जी के साथ खड़ी हूँ तो इनको देख के मुझे अपनी पहली फिल्म की याद आती है फूल और कांटे, और जी करता है कि उनकी आवाज़ में वो गाना भी दोबारा सुन लूँ, बट नहीं। लेकिन उसके अलावा मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि बहुत सालों के बाद मैंने फिर से काम शुरू किया है, और साउथ में मैं काफ़ी कर रही हूँ, और हिंदी में करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आई वॉन्ट के मेरी ऑडियंस, मेरे फैंस, मेरे दोस्त, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे जो तमिल फिल्म नहीं देखते वो मुझे देखें, और आपको एंटरटेन करने का मुझे एक और मौका एक और बात मिले। गाना बहुत अच्छा है और कहानी बताई तो पूनम जी ने कंपोज किया, उन्होंने बताया कि बहुत थॉट चाहिए, और आज के हिसाब से जैसे गाने चल रहे हैं जैसे मेरे गाने आते हैं तो कुछ अलग मेरे लिए था, रोमांटिक गाना था और कुछ लिरिकली लिखना, तो मतलब ठीक है तो कहा तो इंसान का गाना कर रहे हैं और मधु जी ने और सब लोग तो मैंने कोशिश करी और मैंने गाना रोमांटिक गाना किया और बहुत अच्छा गाना हुआ, बहुत अच्छा इन्होंने म्यूजिक किया, बहुत अच्छा।
होती है इस जॉनर में, बट हॉरर कॉमेडी इज़ अ रेयर थिंग, और उसमें मैं पहली बात कर रही हूँ तो मेरे लिए तो बहुत ही यूनिक है. मैं पता नहीं इस फिल्म को देखूँगी या नहीं डबिंग के बाद, क्योंकि मैं हॉरर फिल्म से बहुत डरती हूँ.